बनाना है, इस साइड से किचन करेगा। यहाँ पे एक बीम है, इधर इधर यहाँ पे होना चाहिए, ये तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बराबर, ये बीच में ना यहाँ पे किधर देख होना चाहिए ऐसा लग रहा है, बड़ा स्पैन नहीं होना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल एक ही पकड़ के चलते हैं। अभी हाइट में थोड़ा इशू है बराबर ना, क्योंकि डिजाइन करते हो हम लोग ने यहाँ से बना रहे हैं राइट, फॉल सीलिंग लेवल हम लोग इसी से ऊपर करेंगे चालू, या अगर देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली अपने को स्लैब दिख रहा है बराबर, डायरेक्टली स्लैब के नीचे हम लोग फॉल सीलिंग नहीं बना सकते, ड्रॉप लेना पड़ेगा, डिजाइन में कुछ फोर लाइट वगैरह है, तो स्पेस होना चाहिए, बट हम लोग ने नहीं डाला था स्पेस, छूट गया अपने से, हाइट का इशू हो गया अपने, तो क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर ही बनाएंगे नॉर्मल ना, हम लोग देते हैं का स्लैब, और हम लोग कितना ड्रॉप लेते हैं मैक्सिमम, कितना ड्रॉप लेते हैं 50 का ड्रॉप लेते हैं स्लैब से नीचे का, कितना बड़ा लेते हैं साइंस है, भरपूर ज्यादा बीम नहीं बोलते भी, फॉल सीलिंग का ड्रॉप बोलते हैं, मेन सीलिंग का साइंस 6 इंच या 125, ओके तो हम लोग उतना ही लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं लेंगे इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ही पकड़ के चलता हूँ, इतना हम लोग को करना है ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये पैसेज वाला लेवल एक ही लेवल रहेगा, जो भी करेंगे इसके अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं, यहाँ पे स्कोप है अपने को, रामू ने ये डिजाइन नहीं किया अभी तक ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग कोई डिजाइन बनाएंगे, मैं ऐसे रैंडम बनाने वाला हूँ, कुछ अभी तक कुछ रेफरेंस मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं एज अ रैंडम ही बनाऊंगा इसको। सबसे पहले लाइन लेंगे और एक इतना रेक्टेंगुलर बना के लेंगे बराबर है, अभी यहाँ पे बार एरिया है उसको हम लोग छोड़ने वाले हैं, हम लोग स्क्वेयर करना है अपने को, ये ऐसा पोर्शन पूरा स्क्वेयर करेंगे ऐसा ठीक राइट, तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, स्नैप मेरा ऑन है, लाइन लाइन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट ये मेरे को नहीं चाहिए, मिड पॉइंट नहीं चाहिए बराबर, शिफ्ट करके राइट क्लिक करने के बाद ये मुझे विंडो मिली बराबर है, याद है सबको, तो मिड पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, ये बंद कर दिया, ये हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं, शिफ्ट दबा के मैं सीधा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये एक बेसिक रेक्टेंगल अपने को जो चाहिए वो मैंने बना लिया, ये पॉइंट मैं चेक करता हूँ एक बार बराबर है, यस यहाँ पे मुझे साइड जाना चाहिए बराबर, कि ये लाइन मेरी क्रॉस आ रही थी बराबर, ये लाइन बराबर है, ये भी लाइन बराबर है, स्नैपिंग सब पॉइंट जो मेरे को चाहिए वो उसने बराबर पकड़ा है राइट, ये थोड़ा बार काउंटर हम लोगों ने बाहर निकाला है, सीलिंग सेल से कोई मतलब नहीं होने वाला, फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन अपने को कवर करना पड़ेगा राइट, तो इसके लिए क्या करूँ मैं, पहले मैं इसका अंदर का जो एरिया है वो मैं बना लेता हूँ, अपने को क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर है उसके बीच में एक ऐसा खाँचा बनाएंगे रेक्टेंगुलर बड़ा सा, और उसके ऊपर डिजाइन करेंगे जो भी करना है ठीक है, लाइन के अंदर स्प्लाइन इसका आउटलाइन बना के लेंगे, ये अंदर का जो खाचा है वो अपने को बनाना है राइट, आउटलाइन में एज कितना पकड़ के चलूँ, ये 15 इंच पकड़ू, देखते हैं 15 इंच कितना देखा था आपने, 3 इंचेस राइट, कितना दिखा रहा है, तब बहुत कम है, सीलिंग थोड़ा बड़ा करना चाहिए ना अपने, इतना कम रख से मतलब नहीं है, मैं अंदर से 3 फीट के आसपास, सॉरी
1200 पकड़ू, 1000 पकड़ दे, नहीं तेवढा स्पॅन आहे ना, एरिया भरपूर मोठा आहे. कितना पकड़ दो, चलो 945. ओके, फिर अभी ये वाला एरिया अपने को कवर करना है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक रिफाइन करेंगे और ये वाला डॉट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ वर्टेक्स. और मुझे और दो वर्टेक्स की जरूरत है, एक यहाँ पे लेता हूँ और इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, रहेगा मेरा यहाँ. ठीक है, ऐसा कुछ बनाया मैंने, ऐसा एक शेप बनाया पूरा और बीच में खाचा बना दिया. ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर देंगे. कितना रखेंगे इसको पिलर में, इसको 12 mm पकड़ के चलता हूँ, जिप्सम शीट के हिसाब से जो भी प्लाई पकड़ के हम लोग लेते हैं, इसकी पोजीशन देते थे यहाँ पे. ठीक है, लगभग कुछ ऐसे दिखने वाला है, बराबर है. हम लोग इसके ऊपर बना रहे तो इसके ऊपर ही सोचना पड़ेगा क्योंकि हाइट नहीं लिया था. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे, ये भी कवर कर लेंगे पूरा. इसके लिए मैं अलग से ड्रॉ करूंगा, आप चाहे तो इसी को रिफाइन करके ये सब बना सकते हो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, आपके ऊपर है, आपको जो भी कंफर्टेबल रहेगा वो हिसाब से करो. मैं पीस में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है. ये वाला कुछ तो फाइनलिंग में कवर होने वाला हूँ, चाहे तो मैं इसको बनाया ना, इसलिए मैं इसको कवर कर लेता हूँ यहाँ पे, ओवरलैप करता हूँ सेम. और ये राइट बराबर है, इसी को डाउट कुछ. ठीक है, इसको ही कॉपी करेंगे, कॉपी ये पोर्शन यहाँ पे होना चाहिए और मैं इसको एडिट करता हूँ. वर्टेक्स की जरूरत नहीं है, डिलीट, ये वर्टेक्स की जरूरत नहीं है, डिलीट. ये वाला वर्टेक्स मेरा रहेगा इधर, ये वाला वर्टेक्स मेरा रहेगा इधर. ओके, स्क्वायर बना गया प्रॉपर. ओके, ये हो गया, एक बार पर्सपेक्टिव चेक करते हैं कि क्या हो रहा है. राइट है, बराबर है पूरा. एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पे बीम होना चाहिए था, फिर तो बीम को लग के ही वो ये वाला पोर्शन ड्रॉप लेते हैं, बीम लेवल फॉल सीलिंग सेम यहाँ पे भी, बराबर है. और जो भी करने वाले थे ये बीम के अंदर अंदर ही हम लोग करने वाले थे, बट अभी अंदाज नहीं आ रहा है मुझे भी कि बीम का लेवल कितना था और कितना रहेगा नीचे ड्रॉप. हाँ, इसके अंदर डक्टिंग करना पड़ रहा है, इसके अंदर उन्होंने उन्होंने ऑन साइड डक्टिंग किया है, सीलिंग हाइट बोलती हाइट बोलती है, डक्टिंग का नॉर्मल असते ना आपके कमर्शियल इसे असतात ते खूप मोठे मोठे असतात, त्याच्यामध्ये काय रेसिडेन्सी नाही, तो साईडला कोणी बाल्कनी आहे त्यामुळे एवढं मोठं डक्टिंग करायची गरज नाही पडणार. वन वे कैसेट एसी वगैरह जो रहता है ना, वन वे कैसेट जो अपने कहाँ पे प्लेस किया, इसके साइड में बालकनीज है, वो आप नॉर्मली जो हम लोग का ये एसी रहता है ना वैसे रहता है, खाली थोड़ा उसका तो पाइपिंग होता है थोड़ा बड़ा रहता है बस. इसके लिए प्रॉपर वो कमर्शियल वाला डक्टिंग की जरूरत नहीं होती, वो ये हम लोग अभी बीच में डिजाइन कैसे बनाएंगे. ठीक
क्या करने का डिजाइन कर आइडिया आपने सोचा था पहले से सोचा था तो मिरर लावाई थी बस सुन ले हाँ डिजाइन असते यो इट डिजाइन असते सीलिंग ला जिप्सम मध्ये जस बनत असते पीओपी मध्ये बनत असते वरती फुल असतं फुल फ्लावर्स असतात हाँ ऐसा करने का ठीक है वैसा बना सकते हैं हम लोग क्या करेंगे अपने को वो जो डिजाइन बोल रही है ना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा फाइंड आउट कैसे करेंगे अपने पास जो मैंने लास्ट लेक्चर या वेबसाइट बताई थी बराबर 3D Sky और दूसरा वेबसाइट था वो Archive3D ऐसा कुछ था ना बराबर तो हाँ ये Archive3D ये साइट फ्री है टोटल फ्री है कोई चाहिए उतना आप ले सकते हो उसके अंदर क्या अभी वो हम लोग मॉडल फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मॉडल रहेगा ऐसे कुछ डिजाइन रहते हैं वो ये देखो ये डेकोरेटिव ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे डिजाइन है इसके अंदर आप वेबसाइट चेक करो अलग से ये इतने सारे पेजेस है उसके तो इसमें से कोई भी आपको पसंद आएगा समझो मुझे लगता है कि ये हम लोग उठा सकते हैं ये वाला ऐसा कुछ 3D Sky में इससे अच्छा बहुत बेटर बेटर है आप वो भी ले सकते हो अगर आप कंपेयर टू 3D Sky में जाएंगे इसके अंदर सेम है मोल्डिंग प्लास्टर्स या यहाँ पे लिखा रहेगा डेकोरेटिव प्लास्टर्स और इसके अंदर जाएंगे फ्री वाले वर्जन से ऐसे कुछ बेटर डिजाइन इससे बेटर डिजाइन आपको यहाँ पे मिलेंगे ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता बराबर है बट ये क्लासिकल जो आपका जो भी डिजाइन रहेगा वो क्लासिकल लेवल में होना चाहिए तब जाके सूट होगा हम लोग पूरा मॉडल बना रहे हो बीच में क्लासिकल डाल दिया तो वो डिजाइन इनबैलेंस होता है बराबर है इसीलिए मैं आपको अभी फिलहाल में वो नहीं ले रहा था अपने को मॉडर्न करना है क्योंकि डिजाइन टोटली हम लोगों ने जो बनाया है यहाँ पे और बार एरिया भी देखेंगे या फिर टीवी वाला यूनिट वाला एरिया भी देखेंगे फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरेज बनाया है वो भी हम लोगों ने मॉडर्न स्टाइल में बनाया है राइट तो अपने को फॉल सीलिंग भी उसी लेवल में बनाना पड़ेगा सिंपल और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल करना कर सकते हो कोई इशू फिर मिरर कैसे डिजाइन कर रहेगा वो के ऊपर डिपेंड है कि मिरर में कोई डिजाइन है क्या पैटर्न बनाएगा मिरर बना सकते हो पैटर्न कुछ नहीं स्क्वायर स्क्वायर में मिरर है नॉर्मल स्क्वायर स्क्वायर बस बीवेल मिरर है बीवेल मिरर समझते हो तो बीवेल मिरर है डिपेंड आपके ऊपर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक पट्टा बना रहा हूँ और जो अपना कोर लाइट के लिए बनेगा बराबर ठीक है एक और एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने और इसको मैं मॉडिफाई यूज करने वाला हूँ स्वीप मॉडिफाई और इसके अंदर मैं यहाँ पे लूंगा बार एरिया स्क्वायर रहेगा वो इसके लिए बार ले रहे और एक बार इसका पोजीशन जो है चेक करते ये जो नॉर्मल इसका काम करने का तरीका है वैसे फंडे से वो काम कर रहा है आधा बाहर आधा अंदर की तरफ तो अपने को पॉइंट्स के ये थ्रू अपने को पोजीशन सेट करना है बराबर ये वाला पॉइंट मेरा बराबर है क्योंकि वो अंदर की तरफ चेंज हो गया राइट अभी इसका थिकनेस कितना रहेगा ये अंदर की तरफ ऑफसेट कितना है अंदर तो
एक इंच मेरे को लगता है कि बस बस हो गया, 1 इंच का पट्टा नॉर्मल जो कोर लाइट पोजिशन होता है उसके लिए, ठीक है, फिर ज्यादा लेंगे। मैं बस हो गया 50 या 1.5 इंच, मैक्स टू मैक्स 1.5 इंच। 2 इंच पकड़ रहा हूँ क्योंकि 3D में बहुत छोटा दिख रहा है मुझे। बराबर है, बराबर है, 50 आई थिंक ब्राइट है। और ये भी अपना रहेगा 1 इंच, राइट। अभी आप बोलोगे ये कम लिया था, ये ज्यादा क्यों लिया है, बराबर ना। तो इतना बड़ा शीट आता नहीं है, आपने कभी देखा रहेगा, सीलिंग में थिकनेस दिखता है अपने को, बाहर से तो थिकनेस दिखता है सामने, बट अंदर की जब आप डिटेलिंग देखोगे तो ऐसा नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। फिर उसके ऊपर वो तो उसके जो ये रहता है ना, चैनल्स रहते हैं, तो चैनल लगा के फिर आउटर साइड में भी एक प्लाई लगाते हैं, है ना, ऐसा ही रहेगा। हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा उन्होंने अलग से चैनल लगा के फिल कर दिया रहेगा ऐसा। फिर ये कवर होना चाहिए अंदर की तरफ, पूरा का पूरा कवर होना चाहिए ऐसा, बराबर है। अभी पूरा खुला है, देखेंगे हम लोग प्रोस्पेक्टिव में तो ये पूरा खुला रहेगा ऐसा, बराबर है, तो ऐसा खुला है। अगर आपको लगता है कि ये थिकनेस में और लू आप ले सकते हो, मैंने 1 इंच पकड़ी थी, ओके, ये बराबर लग रहा है आपको, ऐसा प्रोपोर्शनेट बराबर लग रहा है। ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस ऑन है, ये वाला, ये बंद करूंगा तो ये प्रॉपर दिखेगा, राइट। तो इसकी पोजीशन कुछ छोटी मोटी इधर इधर हो गई रहेगी, ये पोजीशन हम लोग सेट करेंगे। और इसके आउटर साइड में यहाँ पे भी एक अपने को ऐसा ही सेम प्रोफाइल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कवर्ड है अंदर से, बराबर ना। तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, क्लोन कॉपी, इसको हम लोग देंगे स्प्लाइन में जाके आउटर लाइन, बराबर, मतलब आउटलाइन, बाहर की तरफ मैं इतना ले लूं, बस हो गया इतना, आई थिंक कितना ये 350 लेता हूँ बस, इतना एरिया ठीक है। ये वाला जो है बीच वाला जो हम जो अपने को रेड दिख रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मैं करता हूँ डिलीट। तो क्या होगा, जो बाहर की तरफ आया हुआ जो रेक्टेंगुलर है वो दिखेगा, अंदर की अंदर वाला डिलीट हो जाएगा, बराबर। और इसको हम लोग स्वीप देंगे ताकि इसका थिकनेस जो रहेगा वो रहेगा, और इसकी पोजिशन, ये प्लाई जो है ये हमने डाला था 12 mm वाला, इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए ऐसा, बराबर है। भी किसी को कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना, कुछ ना कुछ ऐसा क्यों लिया, वो क्यों लिया, भाई समझ में नहीं आ रहा तो पूछो बार बार बार। ये इसकी हाइट थोड़ा मैं 75 मैंने हम लोगों ने ली थी ना, तो इसको मैं थोड़ा 100 करता हूँ, राइट। इसको आइसोलेट करते हैं, एल्ड क्यू आइसोलेट अंदर की तरफ, और एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। मैंने 75 से 100 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैं फिल करने वाला था, उसका स्पेस भी मुझे देना पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया इसको। आइसोलेट में से बाहर आते हैं, अपने को बाहर ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा है बट अंदर की तरफ क्या दिखने वाला है, बराबर है।
ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइट प्लेस नहीं किया है, इसलिए वो ये इसके वर्ड के थ्रू बाहर काम कर रहा है, अंधेरे में चला गया इसके वजह से। ठीक है, अभी अंदर आप बोल रहे कि मुझे मिरर डालना है, मिरर चाहिए ना, राइट, मिरर डालो ना। ठीक है, तो इसको अल्ट क्यू करता हूँ, टॉप में मुझे और एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ ऐसा। ठीक है, और इसकी डिवाइडेशन कैसा चाहिए आपके ऊपर है, कितना डिवाइड में होना चाहिए मेरा। ठीक डिवाइड करो ना, मेरा डिवाइड करो ना, प्लेन देखो आपके ऊपर है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। ये प्लेन मैंने डिवाइडेशन रेफरेंस के लिए लिया, बाद में मैं डिलीट मारने वाला था। एक रेक्टेंगल लाइन से बना दिया, इसी को हम लोग करेंगे कॉपी, शिफ्ट से लेके कॉपी। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, ऑल सिलेक्ट, शिफ्ट, कॉपी, लॉक कर देता उसको, ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक, ऐसे मैंने रेक्टेंगल करके कॉपी कॉपी करके वो जो पैटर्न था वो मैंने बना दिया। इसके ऊपर मैं डालूंगा एक्सट्रूड, नहीं मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ बी वेल, बी वेल, ये वाला ऑप्शन। बी वेल के अंदर ये लेवल वन में जो हाइट लिखा है ना, इसके अंदर एक नॉर्मल 12 mm का या 10 mm का पकड़ के चलो, मिरर का थिकनेस रहेगा। अगर आप प्रोस्पेक्टिव में चेक करोगे या फ्रंट में चेक करोगे ऐसा कुछ दिखेगा। ये रहा, ये जो मैंने 10 लिया ये थिकनेस उसका 10 आया, ये 10 डालता हूँ, थिकनेस आ गया। अभी ये लेवल 2 है ना, इसको मैं ऑन करता हूँ, लेवल 2, और इसका हाइट कितना रहेगा ये यहाँ पे देखेंगे, जूम करेंगे तो ये लेवल 2 है, ये वाला, ये लाइन से लेके ये ऊपर वाला लेवल, ये अपना लेवल 2 का हाइट है। ये भी मैं पकड़ कर 10 पकड़ के चल रहा हूँ, और आउटलाइन देंगे तो क्या होगा, टॉप में देखो के पर्सपेक्टिव में, पर आपको दिखाता हूँ कि क्या बन रहा है। ठीक बेवल बन गया, ऐसा रहता है ना मेरा बेवल वाला। अगर इसके अंदर पैटर्न बना है कुछ, आपने बना है खुद से बना रहे हैं, तो आपको वो पहले शेप ड्रॉ करने पड़ेंगे, सब शेप तो सबको अटैच करो शेप को, और ये वाला बेवल वाला मॉडिफाई डाल, बनेगा 100%, समझा ना। मैंने स्क्वायर लिया था, आपका जो भी पैटर्न रहेगा पैटर्न बनाओ, एक 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 सबको अटैच करो, मतलब ये बना ये शेप, ये शेप अलग होगा, दूसरा शेप कुछ अलग होगा। ओके, ये तो मिरर तो मेरा बन गया, इसको ये उल्टा बनाया, इसको मिरर करेंगे, ये वाला मिरर करेंगे। बन गया, इसके ऊपर मटेरियल जब डालेंगे तो मिरर का इफेक्ट आएगा।
બરાબર છે. ओके ये तो आपके हिसाब से मैंने बना के दिया. मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये जो है ना, ये वाला थिकनेस थोड़ा और इस तरफ लेता था यहाँ पे, और इसके बाजू में खाचा मार के अंदर की तरफ मेरा ले सकता था या फिर गोल्ड. देन और एक यहाँ पे ऐसा लेवल बनाना चाहता था, ये लेवल एक है और बीच वाला लेवल है सब मेरे दिमाग में था. ठीक है, आपको ये पसंद आया तो ठीक है. ओके, सीलिंग समझ में आया कैसे बनाते हैं. बराबर. अभी फर्नीचर डालना देखते हैं कि समझो मुझे सोफा चाहिए यहाँ पे, या फिर चेयर चाहिए, मास्टर चेयर हो गया, यहाँ पे एक सोफा है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग ने ये वाला वेबसाइट में हम लोग देख रहे थे, आपको पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, ज्वाइंट आपका मेल आईडी डालो, जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है या फिर आपका लॉग इन आईडी बनाना है अलग से. मेल का आईडी तो डालोगे, खुद का आईडी पे भी बना सकते हो लॉग इन आईडी. वो एक बार रजिस्टर कर दिया तो आपके मेल में जाने का, इसका मेल आएगा, इसका ऑफिशियल आपको मेल आएगा और एक लिंक भेजेगा. वो लिंक को आपको फॉलो करना है. जब तक वो लिंक को फॉलो नहीं करोगे तब तक ये आपको अगेन साइन इन का परमिशन नहीं देता है, ध्यान रखना. वो जो मेल पे लिंक आएगा उसको फॉलो करो और उसके थ्रू ही आपको लॉग इन करना है. एक बार उसके थ्रू लॉग इन हो गया ना आपका, तो आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया. फिर आपको वापस वही करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेबसाइट ऑन करो, साइन इन करो और आपको दिन में 3 मिलेंगे. वो आपको हिसाब से जो भी चाहिए तो आप ले लो, कितने भी लॉग इन आई डी आपको बनाना है वो बना लो. मम्मी का पापा का जितना मेल आई डीज है आपके पास, सबका आई डी बना के रखो. ये वेबसाइट भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपको जाने का है और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको दिखता है. ओके, मुझे चाहिए सोफा, मैं सोफा ढूंढता हूँ यहाँ पे, एक अच्छा खासा कुछ सोफा स्टेबल है. ओके, मॉडर्न अच्छा सोफा देखते हैं कोई, तो ये वाला सोफा ले लूँ तो दिख रहा है. ऐसा कुछ है. ओके, बल्कि है स्केचअप साठी. ये कैटेगरी में बहुत अच्छे है, पसंद ही नहीं आ रहा है क्या? चर्स. ये देखो एकदम क्वालिटी भी है मस्त एकदम कंपेयर टू वो. और ऑल कैटेगरी आपको क्लासिकल में चाहिए,
यहाँ पे मेंशन है आपको क्या चाहिए, स्टाइल कौन सा है, क्लासिकल, मॉडर्न, इंटरनेट, पर क्लासिकल चाहिए, क्लासिकल मिलेगा। इंटरनेट में चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये वाला चेयर अच्छा है, ये साइड में रखता हूँ। चलो ये वाली चेयर तो लेते हैं, डाउनलोड तो करते हैं, ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड। डाउनलोड्स में ये ऐसा जिप फाइल मिल जाएगा, राइट, इसको मैं फिलहाल कट करके अपने फोल्डर में लेता हूँ। और एक यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, न्यू मॉडल करके, ठीक है। आप ऐसे प्रॉपर फोल्डर बनाओ अच्छे से, मतलब मॉडल जो जहाँ पे आपका लाइब्रेरी सेव रहेगा, या फिर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए आप मॉडल डाउनलोड कर रहे हो, वो फोल्डर के अंदर एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाओ। क्योंकि क्या होता है, आप किधर भी डाल देते हो और वो गलती से फोल्डर डिलीट मार दिया, तो इसके जो टेक्सचर्स मिलते हैं साथ में, राइट क्लिक, ये देखो, ये सब टेक्सचर्स होते हैं ऐसे जो वो मॉडल के लिए बने हुए, पर आप समझो ये टेक्सचर गलती से कहाँ पे डिलीट हो गया आपका, तो आप वापस नहीं ला सकते। सिलेक्ट स्पेसिफिक फोल्डर बनाओ साइड में, जो आप उसको डिलीट नहीं करोगे, या प्रोजेक्ट बना रहे हो अलग से, प्रोजेक्ट के अंदर वो मॉडल नाम का एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर सब जो भी डाउनलोड्स किए रहेंगे वो डाल के रखो, या डाउनलोड्स आपको जो भी नाम देना है, मैं मॉडल नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है वो, ठीक है। ये टेक्सचर चाहिए, और ये जो दिख रहा है आपको, ये सब ये MTL हो गया, ये या फिर ये लास्ट में देखो OBJ लिखा रहेगा, ये इसके अंदर क्या लिखा है इसके, चेक करते एक बार क्या है, GSM ऐसा कुछ है, ये फाइल मालूम नहीं है कौन सा वर्जन है, 3DS फाइल, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, जब कोई इन लोग जो आर्टिस्ट लोग जो मॉडल बनाते हैं ना, हर वर्जन में ये मॉडल काम आए, ये अपना तो 2021 है, मैं 2012 यूज कर रहा हूँ, पर इसने ये मॉडल बना रहेगा 2017 में, मेरे पास इम्पोर्ट नहीं होगा, अगर मुझे फिर वो 2017 इंस्टॉल करके फिर इसको लोअर वर्जन में लेना पड़ेगा, ये सब ना हो इसलिए क्या करते हैं उन लोग, ये 3DS फाइल या फिर OBJ फाइल ये बना के रखते हैं। ये कैसे बनाते हैं उन लोग, फाइल में जाके एक्सपोर्ट मारते हैं, एक्सपोर्ट करते वक्त आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ये सबसे अभी मैं जो बात कर रहा था 3DS, ये वाला फाइल है, ऑटोडेस्क FBX, ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपके अगर 3D टू ऑटो कैड 3D में चाहिए, 3D मैक्स के थ्रू ऑटो कैड 3D में जो चाहिए आप ये ले सकते हो, एक्सपोर्ट करो ऑटो कैड में जाओ, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑटो कैड में वो कन्वर्ट होएगा, या एलिस्ट्रेटर जो रहता है AI फाइल्स जो बनाते हैं वो इसके लिए बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मैं ये बात कर रहा था FBX क्या काम करता है, FBX ये काम करता है, समझो आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और आपने उसको एक FBX में एक्सपोर्ट मार दिया, तो उसके साथ जो भी अटैच रहेगा, मतलब टेक्सचर्स अटैच रहेंगे, जो भी प्लगइन रहेगा कुछ, या सपोर्टेड फाइल रहेगी कुछ, तो वो पूरा साथ में आएगा। ये 3DS फाइल हो गया या फिर OBJ फाइल हो गया, ये खाली आपको मॉडल देगा, उसका टेक्सचर्स नहीं देगा, आपको वो वापस रीलिंक करना पड़ेगा फोल्डर में। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये फोल्डर बना था मॉडल, इसके अंदर ये फाइल JPG, ये प्रीव्यू फाइल है,
ये भी प्रीव्यू फाइल है, अपने पास 3D फाइल नहीं है, तो अपने को ये वाला फाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3DS। और ये मैं 3DS फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, आपको 3D के अंदर 3D वाला फाइल चाहिए तो आप इंपोर्ट में नहीं जाओगे, ये याद रखना, ठीक है, ध्यान देना। अगर आपको 3D का फाइल 3D के अंदर ही चाहिए तो आपको इंपोर्ट नहीं करना है, आपको करना है मर्ज, मर्ज में जाने का है, आपका जो भी सीन में जो भी फाइल रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको जो भी 3D फाइल रहेगा वो दिखाता है, 3DS फाइल, इसका फाइल फाइल्स, मेरा फाइल है 3D फाइल, बराबर है 3DS वाला फाइल, तो सो यही है, ठीक है, इसको डबल क्लिक, मर्ज ऑब्जेक्ट विथ करंट सीन्स, यस, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करने का, ओके, याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे तो आप लिख लो ये बुक में, नोट डाउन करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज ऑब्जेक्ट विथ करंट सीन, ये नहीं करना है, कंप्लीटली रिप्लेस, मतलब ये निकल जाएगा, वो वाला फाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा मतलब, ओके, ये इसका एनिमेशन लेंथ, क्योंकि इसने कुछ मूवमेंट दिया रहेगा तो मूवमेंट के साथ आ रहा है वो, अपने को उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ, ओके, ऑब्जेक्ट आ गया ये, अभी ये कोई भी 3DS ऑब्जेक्ट लेते हो या फिर OBJ वाला ऑब्जेक्ट लेते हो तो इसका प्रपोर्शन हिल जाता है, इसका प्रपोर्शन है ना वो चेंज हो जाएगा, अगर 3D फाइल में से 3D फाइल में लोगे तो मोस्ट ऑफ केस 90% तो आता ही आता है, मैं 10% छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर उसने प्रपोर्शन में नहीं बना रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर है, अभी ये प्रपोर्शन में नहीं है, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, आपने फ्लैट के जो साइज है वो फ्लैट में इतना बड़ा शेयर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे और इसका स्टैंडर्ड साइज आपको मालूम रहता है एक चेयर का कितना रहेगा, आप मोस्टली क्या करोगे इसके अंदर मुझे बताओ, समझो इसको आइसोलेट कर दिया और आपको स्केल करना है इसको, तो आप इसको स्केल कैसे करेंगे, आपको ये ट्रायंगुलर स्केल करना है और इसको हाइट कैसे मेजर करेंगे, तब जो छोटा करने वाले हो आपके प्रपोर्शन में वो कैसे करोगे, कुछ रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, बराबर है, तो नॉर्मल सेटिंग हाइट कितना रहता है, ये सेटिंग हाइट कितना रहेगा, चलो 1800, ओके 450, मतलब इसका ये जो साइज है वो मुझे इतना इतना स्केल करना पड़ेगा, और अगर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्केल, स्केल कर दो डायरेक्टली इसको, थोड़ा सा इतना भी चलेगा बट हल्का सा कर लेते हैं, ओके, इसका काम हो गया, इसको डिलीट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टॉप में जाएंगे, आइसोलेट बंद, आइसोलेट बंद, बराबर आया, प्रपोजिशन में आ गया, इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो ये लेआउट है ना, ये लेआउट, ये मैंने, हम लोग ने दिया वो लेआउट है, ये तुम लोग सेट किया जो लेआउट है, तुम लोगों ने दिया या फिर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, फटाफट डबल ये चेयर, इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट एंगुलर रोटेट ऑन, ये पोजीशन यहाँ पे, शिफ्ट कॉपी सेम है, तो इंस्टेंस अगर आपको अलग चाहिए, मतलब कभी कभी क्या होता है ये कलर अलग रहेगा और ये कलर अलग रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन आप अलग रखोगे, ये समझो इसको अपने
ग्रीन दिखा रहे हो और इसको ब्लू दिखा रहे हो, सकता है आपके थीम में अगर ऐसा है तो इसको आप क्या करोगे, इंस्टेंस नहीं रखोगे, कॉपी रखोगे, याद रखना। अदरवाइज क्या होगा, इससे मटेरियल यहाँ पे प्लेस होगा, इंस्टेंस रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो मैंने बराबर प्लेस किया, फ्रंट में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को डोर लेवल में लेना पड़ेगा, सेगमेंट इसका सेगमेंट आप कम नहीं कर सकते हैं, बट फिर उसका शेप ही चेंज हो जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेगमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर की स्ट्रेंथ है, राइट। हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बराबर है, समझे। वैसे ही आपको सोफा डाउनलोड करना पड़ेगा, सोफा कोई भी सोफा आपका जो भी अच्छा लगे इसमें से। अगर ये मास्टर चेयर आपको अच्छी लगती वो ले लो, मुझे वो अच्छी लगी। सोफा सेटिंग बड़ा है, एक सोफा है तो यहाँ पे देखोगे प्लान में तो बहुत बड़ा है ये। आपको थ्री सीटर मिला, उसी को कॉपी कर लो, इसको मिरर कर दो या सिमेट्री कर दो। ये थ्री सीटर का सिक्स सीटर बन जाएगा, यहाँ पे फोर सीटर है, ये सोफा थोड़ा अलग है, यहाँ पे थ्री सीटर ही डालेंगे। पहले इधर पैड में फोर सीटर दिखा रहे हो आप, यहाँ पे थ्री सीटर वाला ले लो, चलेगा। ये सोफा थोड़ा बल्कि रहेगा तो भी चलेगा, ये स्लिम वाला रहेगा, ये बल्कि रहेगा। फिर ये डाइनिंग चेयर देखेंगे बाद में, डाइनिंग चेयर। ठीक है, आपको फर्नीचर इंपोर्ट करना समझ में आया ना कैसे करने का। अभी इसका टेक्सचर जो है वो नहीं है, अगर अल्ट क्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका टेक्सचर नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी फाइल हम लोग इंपोर्ट करते हो, खाली मैंने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया, इसका टेक्सचर्स इंपोर्ट नहीं किया था। वो कैसे करेंगे टेक्सचर्स, शिफ्ट दबा के टी दबाने का है, शिफ्ट टी, इसको बोलते हैं एसेट ट्रैकिंग। बड़ा करो चाहिए तो यहाँ पे नाम आया है एसेट ट्रैकिंग, और इसके ऊपर ये सबसे पहला वाला बटन है, ये रिफ्रेश करके, ये रिफ्रेश आपको बार बार करना पड़ेगा। नया ऑब्जेक्ट लिया, उसको प्लेस कर दिया पोजीशन पे, एसेट ट्रैकिंग में जाने का, रिफ्रेश करने का, तो क्या होगा, इसके जो भी मिसिंग टेक्सचर्स वाले जो है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। भले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाउंड फाउंड कर, आपको यहाँ पे ओके ओके आना चाहिए, और यहाँ पे उसका जो भी पाथ रहता है वो जहाँ पे है उसका पाथ दिखता है। सिलेक्ट ये वाला, कंट्रोल से ये वाला राइट क्लिक करने का है, सेट पाथ करना है, क्योंकि इसका पाथ मतलब समझते हो नॉर्मल क्या है, क्या कंप्यूटर सब सीख गया। सेट पाथ यहाँ पे जाने का है, और ये इसके टेक्सचर से ही है। यूज पाथ ठीक है आ गया, ये वाला एक था और ये वाला एक था। इसका बराबर पोजीशन देखो, मुझे मैंने जो भी रूट लिया है टी में, अपना लेक्चर का फोल्डर, मॉडल, ये मॉडल के अंदर ये नाम का एक उसका फोल्डर है, इसके अंदर मॉडल का जो भी सब एसेट्स पड़े हैं ये वाला फोल्डर है। ओके ओके यार, बराबर है। फाउंड नहीं होना चाहिए या मिसिंग भी नहीं होना चाहिए, मिसिंग तो नहीं है आपको मालूम है मिसिंग, बट फाउंड भी नहीं होना चाहिए, आपको ओके ही आना चाहिए, तब जाके वो बराबर लिंक होता है। फिर देखो ये बराबर है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो बाद में शो होगा, तो हम लोग जैसे मटेरियल का लेक्चर चालू करेंगे तब तो जाके वो मैं जैसे ऑन करते हैं हम लोग देखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या है वो क्या है। ठीक है, ये सब याद रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर किचन का मॉडल बनाएंगे,
और क्या बनाना है? और कुछ बनाना दिखाना, किचन हो गया और एलिवेशन तो बनाना आपको मालूम है, सेम एज अ बेड भी बना हो गया। इसके अंदर क्या क्या है? जो दिन सब बेड किन वार्डरोब वाला एरिया, किन वार्डरोब इसमें तो वो नॉर्मल हम लोग जो स्टोरेज बनाते हैं सब बनाए, जैसे वार्डरोब बनाया था वही, वो खाली पूरा वार्डरोब रहता है, चारों साइड से वार्डरोब रहते हैं। अगर इसके अंदर ड्रेसिंग वाला ही होगा तो बड़ा मिरर लगाते हैं, या फिर वो स्टोरेज के अंदर ही मिरर लगाते हैं, डिपेंड है वो डिजाइन के ऊपर, बट जैसे वार्डरोब बनाया था वैसे ही हो रहा है। फिर वो भी बना के दिखाना है। किचन ठीक है, किचन तो आपको नहीं समझ में आएगा, स्टोरेज वगैरह वो भी इजी है, उसे देखा जाएगा हार्ड नहीं है। और कुछ आपको लास्ट में कुछ चाहिए जो किला? इसके बाद अपना मॉडल का मुझे लगता है मॉडलिंग जो पार्ट है अपना वो खत्म होएगा, और उसके बाद हम लोग ऑन मटेरियल्स आएंगे कि इसके ऊपर मेटल कैसे प्लेस करें, मटेरियल क्या चीज़ होती है। बाथरूम वाला एरिया हाँ, डब्ल्यू सी तो उसका ब्लॉक मिलता है आपको, इसमें कोई ये ब्लॉक्स में जाओगे तो ये सब सब ये सैनिटाइज वेल में जाएंगे ना, बाथटब से लेके वॉश बेसिन, फिर ये कमोड, फिर बाथ वाला एरिया जो भी रहेगा ये देखो, ये सब है। कौन सी स्टाइल में चाहिए? टैप से लेके सब है, ऐसा वाला चाहिए, क्लासिकल वाला चाहिए, मॉडर्न वाला चाहिए, शॉवर वाला एरिया चाहिए, शॉवर है, क्यूबिकल शॉवर चाहिए वो भी है, खाली आपको इंपोर्ट करना है, उसके टेक्सचर जो भी रहेंगे अगर आपके खुद के डालने तो आप खुद के डालो। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किचन स्टार्ट करेंगे, और देन उसके बाद जो भी लेक्चर रहेगा अपना डायरेक्टली मटेरियल चालू होगा। मटेरियल में ध्यान देना एकदम प्रॉपर, क्योंकि मटेरियल्स के ऊपर ही सब आपका